हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल ऑन माय यूट्यूब चैनल ऑन एनवायरमेंटल साइंस। दोस्तों, आज हम एनवायरमेंटल स्टैटिस्टिक्स का एक और न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे जो यूजीसी नेट यानी कि एनटीए में दिसंबर 2018 में पूछा गया था। दोस्तों, क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको मेरी लेटेस्ट वीडियो मिलती रहे। देखते हैं क्वेश्चन जो यूजीसी नेट 2018 में पूछा गया था। इन ईच एक्सपेरिमेंट फाइव मेजरमेंट वर मेड ऑफ एन ऑब्जर्वेबल। द फर्स्ट एक्सपेरिमेंट यील्डेड मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन 80 एंड 4 रेस्पेक्टिवली, वेयर एज सेकंड एक्सपेरिमेंट गेव मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन 105 रेस्पेक्टिवली। व्हाट इज द कंबाइंड स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ द डेटा। तो इसमें जो हमारे चार ऑप्शन दिए 4.83, 4.53, 6.529। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूंगा ये क्वेश्चन यूजीसी नेट फाइनल आंसर की में ड्रॉप कर दिया गया था। तो दोस्तों, देखते हैं कि इस क्वेश्चन को यूजीसी ने ड्रॉप क्यों किया था, इसका क्या रीजन था, और चलते हैं अपने सॉल्यूशन की तरफ। क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले जो जो हमें इसमें गिवन है उसे नोट डाउन कर लेंगे। जैसे आप देख पा रहे, हमें x1 गिवन था 80, स्टैंडर्ड डेविएशन गिवन था 4 फर्स्ट एक्सपेरिमेंट, और n1 हमारे कितने थे 5, उसमें हमने 5 बार हमने रिपीट किया था। वैसे ही x2 का हमें दिया था 100, सिग्मा यानी कि स्टैंडर्ड डेविएशन दिया था 5 एंड n2 5। तो हम इसके बाद टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन निकाल देंगे, n इज इक्वल टू n1 प्लस n2। तो हमारा जो n हो गया वो दोनों को ऐड कर देंगे, n1 प्लस n2 को हम ऐड करके n1 निकाल देंगे। तो इसके बाद हम दोस्तों इसका कंबाइंड मीन निकालेंगे जो हमारा यूज होगा फर्दर हमारे फॉर्मूले में वैल्यू पुट करने के लिए। तो जो हम कंबाइंड मीन निकालेंगे दोस्तों, कंबाइंड मीन एक्स बार वो हमारा होगा n1 इंटू x1। n1 इंटू x1 मीन्स नंबर ऑफ रिपीटेशन इन फर्स्ट एक्सपेरिमेंट इंटू एवरेज। तो हमारे ये दे देगा टोटल, n1 इंटू x1 हो गया। वैसे हम सेम यहाँ पे दोस्तों n2 इंटू x2 सेम कर देंगे, तो यहाँ पे हमारा n2 इंटू x2 हमने कर दिया डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ रिपीटेशन यानी कि जो हमने किया था वो हमारा है n है हमारा है n1 प्लस n2। तो ये हमने यहाँ पुट कर दिया, तो हमारा हो गया 5 इंटू 80 400 प्लस 5 × 900 हमारा आ गया 90 हमारा आ गया एक्स बार। तो दोस्तों, ये फॉर्मूला जो है कंबाइंड स्टैंडर्ड डेविएशन के लिए यूज होता है। तो ये हमारा हो गया कंबाइंड स्टैंडर्ड डेविएशन के लिए फॉर्मूला हमारा यूज होगा। तो आप इस फॉर्मूले को दोस्तों याद कर लीजिए, लिख लीजिए अपने नोट्स में ताकि आपको फ्यूचर में अगर सेम क्वेश्चन पूछा जाए तो आप इजीली सॉल्व कर सकें। तो जो हमारा फॉर्मूला है वो है अंडर रूट n1 इंटू स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ फर्स्ट एक्सपेरिमेंट का हो स्क्वायर रूट प्लस स्क्वायर प्लस n1 इंटू, दोस्तों ये n2 होगा, n2 इंटू सिग्मा स्क्वायर टू, देन n1 इंटू d1, n2 इंटू d2 स्क्वायर। तो दोस्तों ये हम देख लेते हैं डिवाइड बाय n1 प्लस n2 जैसे हमारे टोटल n यानी कि n हमारा, देख लेते हैं इसमें d1 d2 क्या है। जो हमारा d1 है वो है x1 बार जो मीन ऑफ फर्स्ट एक्सपेरिमेंट उसका माइनस डिवाइड बाय कंबाइंड मीन हमें निकाला था एक्स बार, उसको है d2 भी सेम करेंगे x2 माइनस एक्स बार यानी कि मीन ऑफ द सेकंड एक्सपेरिमेंट माइनस एक्स बार जो हमारा कंबाइंड मीन। तो हमारी जो वैल्यू आ गई d1 d2 की वैल्यू हमारी आ गई दोस्तों 80 माइनस 90, 100 माइनस 90, माइनस 10, 10। तो इन सब वैल्यू को हम रख देंगे फॉर्मूले में अपने स्टैंडर्ड डेविएशन के फॉर्मूले में। तो हम जब वैल्यू सारी देंगे, 5 हमारा देखिए n1 हमारा 5 है और हमारा पहले वाले का सिग्मा 1 है 4, देन हमारा है दोबारा n2 हमारा क्या 5 है और सिग्मा 2 हमारा क्या है 5 है, देन 5 हमारा n1 है, d1 हमारा है माइनस 10। तो इसका स्क्वायर करेंगे तो पॉजिटिव में आएगा और अगेन हमारा 5 है n2 हमारा 5 है मल्टीप्लाई बाय 10 का स्क्वायर डिवाइड बाय 5 प्लस 5 यानी 10। तो इसे सॉल्व करेंगे जो हमारा आंसर आएगा दोस्तों वो है
10.97। देखिए दोस्तों ये 10.97 आप पीछे जाके देखेंगे तो ये हमारे जो ऑप्शन है उसमें नहीं है, इसीलिए एनटीए ने इस क्वेश्चन को ड्रॉप किया था क्योंकि इसका जो सही आंसर है वो गिवन ऑप्शन में नहीं था। धन्यवाद दोस्तों, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए और अगर आपको कोई प्रॉब्लम होगी तो कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद।